हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गर्मी और लू से बचने के बारे में। क्या इन 10 घरेलू टिप्स को अपनाकर गर्मी निकाले आराम से। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में तेज़ धूप की वजह से तापमान बढ़ना, लू लगना, हवा में रूखापन और ज़मीन में पानी का सूखना जैसी समस्याएं आती हैं। कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। गर्मियों में तो लोग डिहाइड्रेशन और लू से बचने के लिए कुछ ना कुछ ठंडा खाते और पीते रहते हैं, पर इसके साथ साथ ही हमें गर्मी में लू और धूप से बचने के उपाय की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम गर्मी में होने वाले रोगों से बच सकें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गर्मी से बचने के तरीके और कुछ घरेलू टिप्स। नंबर एक, गर्मी में पंचसार पौष्टिक पेय लें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मुनक्का, फालसा, खजूर, शहद और मिश्री। इन सब को बराबर मात्रा में लेकर मिट्टी के बर्तन में 4 गुना पानी डालकर भिगो दें। 2 घंटे बाद हाथ से मसलकर छान लें, फिर इस पंचसार ड्रिंक को पिएं। यह ड्रिंक बॉडी को शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति व ठंडक देने वाला है। नंबर दो, गर्मी से चेहरे पर मुहासे व दाग हो जाएं तो संतरे के ताजे छिलके को पीसकर लेप करने से मुहासे व दाग धब्बे मिट जाते हैं और रंग साफ हो जाता है। नंबर तीन, गर्मी से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना, शरबत, गुड़ का पानी और ठंडाई का सेवन करना चाहिए। नंबर चार, आंवला पाउडर, धनिया पाउडर और मिश्री तीनों को बराबर मात्रा में लेकर रख लें। एक एक चम्मच सुबह और शाम 1 गिलास पानी के साथ लें। इससे लू लगना, सिर दर्द व नकसीर में आराम मिलता है। नंबर पाँच, यदि किसी को गर्मी से आँखों में जलन हो तो 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम मिश्री, इन सब को 1 गिलास पानी में 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें, फिर इसे छानकर पी लें। इससे आँखों में जलन और मुंह में छाले ठीक हो जाते हैं। नंबर 6, यदि किसी को लू लग गई हो या बेहोशी हो तो तुरंत 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिश्री 1 गिलास पानी में घोलकर पिलाएं, तुरंत राहत मिलेगी। नंबर 7, नारियल का पानी भी स्वादिष्ट व ताजगी प्रदान करने वाला है। यह प्यास को शांत कर गर्मी से बचाता है, इसलिए गर्मी में नारियल पानी का सेवन जरूर करें। नंबर 8, यूरिन में जलन होने पर 1 चम्मच पीसा हुआ हरा धनिया और 1 चम्मच मिश्री नारियल पानी में मिलाकर पीने से यूरिन की जलन दूर होती है। नंबर 9, गर्मी से सिर दर्द और कमजोरी हो तो सूखा धनिया पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से सिर दर्द और कमजोरी दूर होती है। नंबर 10, गर्मी में यदि घमोरिया हो जाए तो मुल्तानी मिट्टी को मिट्टी के बर्तन में 5 से 7 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे लगाने से बॉडी की सारी गर्मी निकल जाती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है गर्मी और लू से बचने के घरेलू उपाय। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।